फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है फिर से आपका शुक्ला जी गणेशी में। आज फिर से एक नए टॉपिक, नए बिंदु, नए पॉइंट, नई शिक्षा, नई चीज के साथ आपके सामने फिर पेश हुआ हूं। आज हमें ये पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है और होने के साथ साथ में वो नंबर भी मिस कर देते हैं। टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। अब देखिए, रासायनिक समीकरण में उनके परमाणुओं के आयतन के आधार पे समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। एक है संतुलित समीकरण, बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरा है असंतुलित समीकरण, इम्बैलेंस। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे सारे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान हो, आयतन समान हो, उसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं। इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल ये देखिए, ये है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर बराबर नहीं लगाएंगे समीकरण द्रव में, यहाँ एरो साइन लगाते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। आगे है Fe प्लस, ये आयरन है, प्लस Al2O3। अब ये देखिए आपके सामने ये रासायनिक समीकरण है, जरा हम देखते हैं कैसा है। यहाँ Fe आयरन लोहा, कितने परमाणु है इसके? दो है, जबकि यहां पर एक है। इसका मतलब इसके दोनों पक्षों, अब दो पक्ष हैं कौन कौन से? जो देखो, जो आपके बाएं तरफ है, जो एरो साइन के पीछे है, उसको हम बोलते हैं अभिकारी पदार्थ। अभिकारी पदार्थ, ठीक है, या अभिकारक या रिएक्टेंट, नाम याद रखना, ठीक है। और एरो के इस तरफ का जो पोर्शन है उसे बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। तो आपको ये देखना है जिस समीकरण के अभिकारी और उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान हो, आयतन समान हो, उसे आप संतुलित समीकरण कहेंगे, और जिसमें ऐसा नहीं होता है उसे असंतुलित कहेंगे। आज हम इसी को पढ़ेंगे, इसी को समझेंगे। याद रखना, सिर्फ एक एग्जाम्पल देखने के बाद में आप पूरे के पूरे एग्जाम्पल संतुलित करने लग जाएंगे, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको हम संतुलित कैसे करते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको इसके पहले एक बात और बता दूं। आपके यहाँ, आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में ये संतुलित करने की विधियां हैं, दो प्रकार से पूछी जाती हैं। एक तो डायरेक्टली संतुलित समीकरण लिखो, एक समीकरण दिया गया है, एक केमिकल इक्वेशन दिया गया है, आप लिखा गया है कि इसको संतुलित करके लिखो, तो डायरेक्टली आप लिख दो, कुछ नहीं तो करना है। और एक होता है संतुलित करो, संतुलित करो कैसे? सोपान, स्टेप वाइज। तो इसे सोपान विधि भी बताऊंगा मैं, और डायरेक्टली लिखने को भी बताऊंगा मैं। आप ध्यान रखिए, अगर सिर्फ संतुलित करने को आता है तो 1 मार्क का आता है, और सोपान के सहित अगर लिखने को आता है, अगर स्टेप वाइज लिखने को आता है, तो यही क्वेश्चन, यही आंसर आपका 3 मार्क का हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब वो संतुलित करने के लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। इधर के सारे मटेरियल को यहां लिखिए, इधर को यहां लिखिए, जब डायरेक्टली आपको करना है तो, ठीक है। वैसे जब सोपान में आप जाएंगे तो भी करना चाहेंगे तो भी इस नियम को कर सकते हैं, उसके आधार पर आप सोपान लिख देंगे। अब सोपान को लिखना बड़ा आसान होता है, कैसे होता है वो भी हम आप आज इसी वीडियो में बताएंगे। अभी देखिए, Fe है, इसके कितने परमाणु है? 2। और O है, ऑक्सीजन कितने है? 3। अब देखना, यह एक कंपाउंड है, यह एक यौगिक है, इसको इसलिए एक साथ ही रहने दीजिए, इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये एक साथ में है। और आगे अभिकारी पदार्थ ये भी है, ये एल्यूमिनियम है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए, ये जो है परमाणु संख्या इनकी है, कितने परमाणु है Fe के? 2 है, यहां पर 3 है, ठीक है। लेकिन जहां पर कोई नंबर नहीं लिखा गया है वहां पर आप 1 मानना, हमेशा इस बात का ध्यान देना। अब आपने यहां पर लिख लिया, ध्यान दो, यही काम आप उत्पाद में भी करना है, प्रोडक्ट में भी ऐसे लिख लो। चलो हम कर लेते हैं, ये Fe है, आयरन है, लोहा है, अकेले है,
इसको आप ऐसे रहने देंगे, एक इसका परमाणु, ठीक है। अब आगे देखिए, एल्युमिनियम का है Al2 है और O का 3 है, आपने इसको भी ब्रैकेट में बना लिया। अब ध्यान ये देखना है, पहले Fe है, हम Fe के बारे में समझेंगे। ये देखो लोहा आयरन Fe यहां पर दो है, दो परमाणु है, यहां पर एक है, बहुत नाइंसाफी। अब बहुत नाइंसाफी क्यों, यहां पर दो परमाणु है किसके, लोहे के, यहां पर एक है। एक कहावत हमने सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन लोहे का खंभे को लोहे का तार कैसे काटेगा भाई। यहां पर तो डबल डबल है, यहां दो परमाणु है, यहां पर एक है, ये कैसे काटेगा, ना इंसाफी ना। तो आपको ये सही करना पड़ेगा। नंबर दो, ओ यहां पर तीन है, तीन परमाणु है इस साइड में, यहां लिखा है इस साइड में भी तीन है, ओके बढ़िया है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, यहां हमें कुछ नहीं करना है, हो गया। दूसरी बात, एल्युमिनियम यहां पर एक है और यहां पर एल्युमिनियम दो है, ये ना इंसाफी है, लोहा भी एल्युमिनियम भी दोनों गड़बड़ है। अब बचा, हो गया, ठीक है। अब एक काम करें, तो सबसे पहले यहां ये फिर दो है, ये देखिए यहां पर एक है, तो आपको इस Fe को इस Fe के बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, उनमें उनके आयतन को बढ़ा करके, उनके वॉल्यूम को, परमाणु को नहीं वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, परमाणु अपने आप बढ़ जाएगा। तो आप यहां दो का मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए हम लिख लेते हैं दो। अब देखिए यहां पर परमाणु इसके दो थे, 2 1 2, यहां पर दो हो गए, मतलब यही हमने बराबर कर लिया, इक्वल कर लिया। अब टेंशन नहीं, अब लोहा लोहे को काट सकता है। नंबर थ्री में आइए, नंबर इधर ओ थ्री, ऑक्सीजन के तीन परमाणु और इधर थ्री, नो प्रॉब्लम, चलेगा ना, अभी तो ठीक है, अगर आगे बिगड़ जाते हैं तो भी हम देख लेंगे। चलो अब यहां पर देखिए, ये एल्युमिनियम का एक परमाणु है यहां पर, जबकि इस साइड में दो है, ये गलत हुआ। तो यहां पर क्या करें, इसको दो बनाएंगे, दो का गुणा करेंगे, बराबर दो हो जाएगा। अब यह चेक करते हैं, Fe2 O3 एल्युमिनियम 2 बराबर हो गए भाई। अब आप लिख दीजिए, अब कैसे लिखेंगे, पहले Fe को दो बनाओ, कहां आप मल्टीप्लाई किए, इस साइड में इस साइड में, यहां किए हैं, Fe को 2 बना दो, ये दो हो गया, कंफर्म, दो Fe, ओके। एक बात और बता दूं, आप कभी भी कोई डिजिट लिखना, कोई भी लिखना, हमेशा उसको तत्व के या यौगिक के, एलिमेंट के या कंपाउंड के लेफ्ट में ही लिखना, राइट में नहीं लिखना। अब राइट में क्यों नहीं लिखना, मैं अगले एग्जाम्पल में बता दूंगा आपको। चलिए हो गया, अभी एल्युमिनियम यहां पर 2 था, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई आपने ये किया, अब आपका पूरा का पूरा ये समीकरण बैलेंस हो गया। आप चेक कर सकते हैं, Fe यहां दो है, यहां दो है, ओके, ओ यहां थ्री है, ओ यहां थ्री है, ओके, Al यहां दो है, Al यहां दो है, आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन यह काम आपको वन मार्क का काम करेगा, वन मार्क देगा। लेकिन जब कभी भी आपको यह संतुलित करने को आएगा, लिखने को नहीं, करने को आएगा, सोपान में, स्टेप में, तब आप क्या करेंगे उसको देखिए, आप इतना पहले कर लीजिएगा। अब उस बात क्या करेंगे, यहां लिखना प्रथम सोपान मीन्स फर्स्ट स्टेप। तो आप जरा ध्यान देना, यहां पर ये वाला पोर्शन ना कहीं आप रफली करना, तब यहां नहीं शो करना, समझने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन तब सामने नहीं करना, कहीं और दूसरे पेज पर कर लेना। तो प्रथम सोपान में आपका जो इंबैलेंस इक्वेशन है उसको आप लिखेंगे, जो असंतुलित समीकरण है उसको करेंगे। अब लिखेंगे द्वितीय सोपान में क्या लिखेंगे, अब बताइए आप द्वितीय सोपान में, मतलब पहला स्टेप आपने किसको किया है बैलेंस, आयरन को, यहां लिखिए आयरन को संतुलित करने पर। तो आयरन को क्या संतुलित किया था, पूरा समीकरण देखिए, थोड़ा मैं मिटाता हूं उसको, एक मिनट, आपने इक्वेशन लिख लिया प्रथम सोपान में, फिर दूसरे सोपान में यहां पर हेडिंग डालेंगे बाय बैलेंसिंग आयरन एटम्स, आयरन, ठीक है ना, आयरन को बैलेंस करने पर। तो आप पूरा फिर समीकरण लिखिए, Fe2
Fe2O3 plus Al equal to, यहां पर आप 2 लगा करके यहां पर समीकरण लिख लीजिए, एक सोपान हो गया। अब आइए, अब आपने यहां पर कर लिया ना, यहां पर लिख करके लिखेंगे तीसरा सोपान, थर्ड स्टेप। थर्ड में किसको किया था? एल्यूमिनियम को बैलेंस करने पर, देखिए एल्यूमिनियम को बैलेंस करने पर समीकरण आप लिखेंगे, यहां पर आपको 2 लगाना था, आप 2 लगा करके लिख देंगे। तो ये प्रश्न आपका 3 सोपान में हो गया। याद रखना, पहला सोपान में आप कुछ भी नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप में केवल इंबैलेंस इक्वेशन को लिख देंगे ये। तो दूसरे में तो जितने तत्वों को आपको बैलेंस करना पड़ रहा है उतने स्टेप आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। इस प्रकार से आप समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां देखी, एक तो डायरेक्टली और एक सोपान में। अब एक समीकरण और आपके सामने ये है, उस समीकरण देखें हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। आपके सामने ये रहा रासायनिक समीकरण नंबर 2, Na2SO4 plus BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये आपके समीकरण है और ये इंबैलेंस है। कैसे पता लगाते हैं? यहाँ पर Na के 2 परमाणु हैं, लेकिन इस साइड में 1 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ S1 है, S1 है, ओके चलेगा। O4 है, O4 है, बढ़िया है। Ba1 है, Ba1 है, बहुत अच्छा है। Cl2 है, Cl1 है, ये गड़बड़ है, ठीक है। अब आइए हम बैलेंस करते हैं कैसे, डायरेक्टली। अब सोपान आपने सीख लिया है, अगर सोपान करना हो तो आप कर लेंगे। अब देखना, सबसे पहले आप देखें किसको बैलेंस करना है, 2 और ये 1। आप सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, सोडियम को आप बैलेंस करेंगे। या एक काम करो, थोड़ा मैं चेंज करता हूं, अब पहले सोडियम नहीं बैलेंस करेंगे, पहले क्लोरीन करेंगे, समझ आ जाएगा। क्लोरीन यहाँ पर 2 है इस साइड में, इस साइड में 1 है। अब देखिए, इस क्लोरीन को हमें 2 बनाना है, ध्यान देना, इस क्लोरीन को 2 बनाना है। लेकिन याद रखना, कभी भी यहाँ 2 लिख के मत आ जाइएगा। अगर ऐसा करते हैं तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो आयतन का अनुपात होता है वह 1:1 होता है, ये फिक्स है, ये हम कभी नहीं चेंज कर सकते। दुनिया के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके तत्वों के भारात्मक और आयतनात्मक वेट के अनुसार और उसके वॉल्यूम के अनुसार उनका रेशियो जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए H2O है, अब H2O में अगर इसके हम परमाणु का अनुपात देखें तो 1:2:1 है। अब ये पानी चाहे एक बूंद हो, चाहे पूरे समुद्र का हो, चाहे गंगा जी का हो, चाहे गटर का हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और अगर आपने जबरदस्ती कभी बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 कर दिया तो पानी पानी नहीं रह जाएगा, ठीक है, वो पानी पानी नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा। पता करना H2O2 क्या है, आप कंफर्म हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं है तब पक्का है। तो मैंने यहां पर क्या बताया, मैंने बताया कि हमें यहां पर क्लोरीन को बैलेंस करना है, लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आप कभी भी नंबर यहां पर नहीं डाल सकते हैं, नंबर को आप पीछे ही डालना पड़ेगा। कितना, अभी यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, कितना 2 करना है, यहां पर 2, तो ये 2Cl हो गया, Cl2 हो गया बराबर ना, चलिए ये दोनों बैलेंस हो गए। अब बारी आई किसकी, Na की, सोडियम की, और सोडियम यहां पर ध्यान देखना ना, यहां पर 2 है, यहां पर 1 था, यहां 2 है, यहां 1 था, लेकिन जब जिस समय आप क्लोरीन को बैलेंस करने गए थे ना, आपको पता नहीं चला होगा सोडियम भी बैलेंस हो गया, दोनों का एक साथ हो गया, इसलिए मैंने पहले सोडियम का नहीं बताया, पहले क्लोरीन बताया कि कभी भी आप क्लोरीन यहां पर 2 देख रहे हैं तो यहां पर 2 करने के लिए कभी भी यहां पर 2 नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उन यौगिकों का जो रेशियो होता है एलिमेंट्स का, तत्वों का भारात्मक आयतनात्मक, वो सारे के सारे इंबैलेंस हो जाते हैं, वो तत्व रह ही नहीं जाएगा, तो वो सोडियम क्लोराइड नहीं रह जाएगा, नमक नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा मुझे भी पता नहीं है, आप करके देख लेना पता चल जाएगा। इस प्रकार से आप समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है और आपको एक सोपान विधि है, स्टेप वाइज आप जैसे भी आपके एग्जाम में आए उस आधार पे आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि और एग्जाम्पल
संतुलित करने का। ये आपके सामने अगला समीकरण है, दिखने में बहुत छोटा सा क्यूट सा है लेकिन बहुत मजेदार है, बताते हैं क्या मजेदार है। तो सबसे पहले तो आप देख कर समझ सकते होंगे भाई ये तो असंतुलित है, इम्बैलेंस इक्वेशन है। क्यों? यहाँ यश टू है, यहाँ यश टू है, भगवान की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी कृपा, आप पर भी मुझ पर भी, टेंशन नहीं है, दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हमको यहाँ होती भैया, देखो यहाँ पर ओ का टू है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ वन है, इसी में प्रॉब्लम है। अब इसी को हमें बैलेंस करना है, कितना सिंपल है। अब यहाँ पर कितने हैं, टू, दो परमाणु हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पर कितने, एक, यहीं पर हमको दो चाहिए, तो क्या करेंगे, दो का गुणा कर देंगे, ये दो हो जाएगा, ये देखना। तो दो बताया आपको, दो आप यहां कभी नहीं लिखेंगे, यहां करेंगे सब चौपट हो जाएगा, आप यहां पर दो लिखिए। अब आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन आपके ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन की दुनिया उजड़ गई। जो हाइड्रोजन पहले बैलेंस था, अब इम्बैलेंस हो गया, ठीक ना। वो तो वैसे हुआ, एक आदमी था, गया था मेले में घूमने के लिए, मेले घूमने गया, घूमते 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 कुछ देर बाद उसकी माँ की खो गई, ठीक है। जब माँ खो गई, बड़ा चक्कर, बड़ा कैसे, अब क्या करूँ, इतनी बड़ा, इतना बड़ा प्रयागराज का कुंभ का मेला था, ठीक है, कैसे खोजूं उसको, सब अनाउंस कराया, तमाम किया, कहीं नहीं मिली। उसने अपनी वाइफ को वहीं बिठा दिया एक जगह, कहा तू यहीं रुक और हिलना मत, यहां से कहीं आना जाना मत, मैं माँ को खोज कर ला कर आता हूं। वो गया माँ को खोजने, 3-4 घंटे बाद खोज करके लेकर आया। लेकिन जब माँ को खोज कर लेकर देखता है, जो वाइफ थी वो गायब हो गई थी, एक को खोजने गया, दूसरा गुम हो गया। वही चीज आप यहां पर कर रहे हैं, ये यश बेचारे पहले से बैलेंस थे, लेकिन आपके ओ के चक्कर में इसने अपनी दुनिया उजाड़ ली। अब उजाड़ ली तो क्या करें, यहां पर देखें, तो यहां पर अभी देखें, अब यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया, क्योंकि आपने दो का मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, सिर्फ ओ में नहीं, इसमें अब तो ये 4 बन गया भाई। तो जब ये 4 बन गया तो टेंशन कहां लेते हो, पीछे आओ, 4 बनाओ, 4 बनाने के लिए क्या करोगे, अब इसको 4 मत कर देना, इसको कभी नहीं, यहां करिए 2 2 4, काम खत्म आपका। इस प्रकार से ये आपका समीकरण संतुलित हो सकता है। ऐसे आप जब भी चाहे किसी भी समीकरण को चाहे एक एक करके बॉक्स बना लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाकर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, और संतुलित करने के बाद अगर आपको चाहे, अगर आप चाहे एग्जाम में चाहे क्वेश्चन पूछे, आप यहाँ सोपान भी दिखा सकते हैं। पर ध्यान रखना, पहला सोपान बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, पहले सोपान में ये क्वेश्चन लिख देंगे और फर्स्ट स्टेप में, पहले सोपान में ही वह समीकरण को संतुलित करना शुरू करें। याद रखना, पहला सोपान में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इम्बैलेंस इक्वेशन है, उसको आपको लिखना है। सेकंड सोपान से आप उसको संतुलित करना शुरू करेंगे। अभी वीडियो आपको कैसा लगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइए, आपके कमेंट की मुझे बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।